ईडी का बीजेपी का नोटिस मिला। ईडी वीडी नहीं, हमने बोलना बंद कर दिया। नो ईडी, नो आईटी, नो सीबीआई, बीजेपी, शब्द अलग है, ईडी। अभी चुनाव का भी मौसम है, उन राज्यों में भी अति सक्रिय क्रियाशील हो चुकी है ये, और जाहिर है कि अरविंद जी को भी अब बुलाया जा रहा है। तो सीधे तौर पे अब विपक्ष के नेताओं को भी ये हमने तय कर लिया कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे, हम इन संस्थाओं से भी लड़ रहे हैं जिन्होंने अपने चरित्र हनन का खुद से विटनेस बनना स्वीकार किया। सर, टीएमसी सांसद महुआ नेता शशि थरूर, आप सांसद राघव चड्ढा समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने यह आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उनका फोन और ईमेल हैक करने की कोशिश कर रही है, और ये ट्वीट नहीं, इसे आरोप क्यों कह रहे हैं? मैसेज अलर्ट आ चुका है, सरकार न कहे कि ये अलर्ट गलत है। अखिलेश जी का भी नाम है, महुआ जी का है, प्रियंका जी का है, सीताराम येचुरी का है, शशि थरूर का है, राहुल जी की टीम में लोगों का है। मतलब ये हो क्या रहा है? डिजिटल दुनिया बना रहे हैं और पर इन्वेसिव पॉलिटिक्स के तहत अब देखना चाहते हैं कौन किससे बात कर रहा, क्या बात कर रहा। पूरा का पूरा नॉर्थ कोरिया बनने जा रहा है क्या? सीधी सी बात, सरकार की ओर से अभी तक कुछ सुना ही नहीं मैंने, उनकी ओर से सफाई आनी चाहिए ना। इसका एक मंत्रालय भी है, वो क्या कर रहा है? सर, मराठा आरक्षणकारियों द्वारा इमारतों में आग लगने की घटना कई सामने आई, कर्फ्यू लगा दिया गया। देखिए, मेरा सीधे तौर पर मानना है कि जिस चीज को प्रधानमंत्री जी नजरअंदाज कर रहे हैं, पूरे देश में आपको जातिगत जनगणना करवानी होगी। एक बार वो हकीकत सामने आए फिर ये फैसले लेने आसान होंगे। आप उस पर पर्दादारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जातिगत जनगणना की बात होती है तो आप जातिवाद पे ले जाते हैं। मतलब कहीं तो कोई समझ होनी चाहिए ना कि किस तरह का विकास का प्रतिमान आप चाह रहे हैं, क्या उसमें लोगों की भागीदारी हिस्सेदारी आप चाहते हैं या नहीं चाहते। इन सबका एक ही इलाज है, एक ही सोल्यूशन है, पूरे देश के स्तर पर जातिगत जनगणना। उसको जितना डिले या डिनाई करेंगे आप नुकसान कर रहे हैं देश का, समाज का। सर, उमर अब्दुल्ला जी के पूर्ण है कि इंडिया अलायंस अभी मजबूत नहीं है, खासतौर पर जहां चुनाव है 4-5 राज्यों में, वहां स्थिति और कमजोर है। देखिए, मेरा उन्होंने 4-5 राज्यों के संदर्भ में नहीं कहा था। ओवरऑल कोई भी जो अलायंस का हिस्सा होगा वो उसके मुकम्मल और बेहतर होने के लिए कामना करेगा, दुआ करेगा, और वो तमाम कोशिशें हो रही हैं। मैं समझता हूं उसका प्रतिफल भी जल्द देखने को मिलेगा।